इस आवाज को सुन रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। ये आवाज सिर्फ उस एक इंसान के लिए है जिसको देखने के लिए पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। टीम में पूरे 11 लोग होते हैं, पर ये शोर, ये क्राउड उन सब के लिए नहीं है। ये शोर, ये क्राउड सिर्फ उस एक इंसान के लिए है जिसने पूरे क्रिकेट हिस्ट्री को बदल के रख दिया, जिसे हम गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, 16 साल की छोटी सी उम्र में जब सचिन तेंदुलकर अपना पहला मैच खेल रहे थे, वो मैच इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। सारे बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन आउट हो चुके थे। तभी ग्राउंड पर एक 16 साल का बच्चा आता है, जिसे देखकर सब उसका मजाक बनाते हैं कि क्या इंडियन टीम के पास अब कोई नहीं बचा, जो एक 16 साल के छोटे से बच्चे को भेज दिया गया है पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाजों के सामने। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल शांत रहता है। वकार यूनस की वो पहली बॉल जो सीधा उसके नाक पे लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी सब लोग उसका और मजाक बनाते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि इसे यहाँ आज मरने के लिए भेजा गया है। सब लोगों को लगता है कि जिन धाकड़ बॉलर्स के सामने कोई नहीं टिक पाया, वहाँ ये बच्चा क्या खेलेगा। वो बच्चा पूरी तरह से खून से लथपथ होता है, उसकी नाक फट चुकी होती है। सब लोग उसे बोलते हैं कि तुम चले जाओ, तुम मत खेलो। तभी वो बच्चा उसी हालत में खड़ा होता है और बोलता है कि मैं खेलेगा। और वकार यूनिस की अगली ही बॉल पर वो चौका मारता है और उसकी आंखों में आंखें डाल कर देखता है। दोस्तों, यही चीज उस 16 साल के छोटे से बच्चे को क्रिकेट का भगवान बना देता है। क्योंकि अगर वो इंसान उस दिन हार मान लेता और लोगों की बात सुनकर वहां से चला जाता, तो वो कभी भी क्रिकेट का भगवान नहीं बन पाता। यही हार न मानने वाला एटीट्यूड उस इंसान को गॉड ऑफ क्रिकेट बना देता है। इसीलिए दोस्तों, आपकी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी क्यों ना बोले, आप कभी भी हार मत मानना, आप कभी भी गिव अप मत करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को और देखने के लिए। और अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बी द ओनली वन और द बेस्ट वन।